Hello friends, welcome back to my channel Science Tutorial 04. So in this video I'm going to begin with the third law of Mendel, which is the law of independent assortment. इससे पहले की वीडियो में मैंने फर्स्ट टू लॉज कवर करी थी एंड इस वीडियो में लास्ट थर्ड एंड लास्ट लॉ में कवर करूँगी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, देन आई विल डीकोड दैट डेफिनेशन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी. ऑल राइट, सी when it states that when two pairs of characters or traits are brought together in F1 hybrid, no, in hybrid, not, we will not mention F1 or F2 hybrid, just in hybrid, then the segregation of one pair of traits or characters is independent of the other pair of traits. All right, ये हमारी definition हो गई जो कि आपको notes में note down करनी है. Now I'll decode this. इसको मैं सिंपलर फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ. सी व्हेन टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन हाइब्रिड, इसको हम लोग नॉर्मली आसान भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं व्हेन टू कैरेक्टर्स, क्योंकि एक कैरेक्टर प्लांट हाइट है, दूसरा कैरेक्टर पोजिशन है फ्लावर की, तीसरा कैरेक्टर कलर है, तो वो पेयर में तो ऑलरेडी जब हम लोग एक कैरेक्टर बोल रहे हैं तो वो तो अपने आप ही पेयर में ऑटोमेटिकली आ ही रहे हैं ना, टॉल एंड ड्वार्फ के, एक्जियल एंड टर्मिनल के, तो इसलिए हमें पेयर ऑफ बोलने की ज़रूरत है नहीं. वैसे क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है ये पार्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट हमें कोई ज़रूरत है नहीं ये मेंशन करने की, क्योंकि जब हम लोग एक कैरेक्टर या एक ट्रेट बोलते हैं तो वो अपने आप ही एक पेयर में बन के हम लोग के सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है. ठीक है, पेयर ऑफ टॉल एंड डॉर्फ, दिस इसी को बेसिकली हम लोग पेयर कह रहे हैं ना. ठीक, वेन टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स की जगह वेन टू कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं. ठीक, आर ब्रॉट टुगेदर, यानी कि प्लांट हाइट और फ्लावर कलर ले लें हम लोग. व्हेन दीज टू कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड टुगेदर, आर ब्रॉट टुगेदर इन द हाइब्रिड, देन इन द नेक्स्ट जनरेशन जो कि प्लांट्स जो होंगे, जो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्लांट हाइट जो है वो फ्लावर कलर पे डिपेंड नहीं करेगा. ऐसा कभी फिक्स्ड नहीं होगा कि फ्लावर कलर येलो है तो हाइट हमेशा टॉल होगी, नहीं, एक दूसरे पे डिपेंड कभी नहीं करेगा. हमें हर वैरायटी के प्लांट्स देखने को मिलेंगे कि जो टॉल है उसके साथ वाइट फ्लावर भी दिख जाएगा, ड्वार्फ के साथ रेड भी दिख जाए, टॉल के साथ रेड दिख जाए, तो हमें ये अलग अलग फॉर्म्स में दिख जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इस पर डिपेंड करे कि टॉल है तो हमेशा रेड ही फ्लावर होगा, नो, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक, यही यहाँ पे बोलने के कोशिश करी गई, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि दे जब सेग्रीगेशन होता है उनका, आगे जब गैमीट्स बनते हैं, उनका सेल्फिंग वगैरह हम लोग कराते हैं, जो हमें आगे मिलते हैं जनरेशन, उसमें से कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक, दैट्स द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस. अब देखो, मेंडल जो थे उन्होंने हर कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराया था, हर कैरेक्टर को, चाहे प्लांट हाइट ले लिया, फ्लावर कलर ले लिया, चाहे फ्लावर कलर पॉट शेप ले लिया, कुछ भी, हर कैरेक्टर के एक प्लांट को आपस में क्रॉस कराया था, तो उन्हें रेशियो हमेशा, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो हमेशा सेम मिले थे. तभी हम लोग किन्हीं का भी क्रॉस करा लें, हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी दो प्लांट्स हो क्रॉस कराए, तो रेशियो हमेशा सेम ही देखने को मिलेगा. गॉट इट? तो अब हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की. डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? उस डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है, यानी कि क्या कंडीशन होती है जहाँ पे ये जो कंडीशन इसको फेवर करती है, किसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, जो कंडीशन फेवर करती है. तो देखो, ये एक क्रोमोसोम है. ठीक, ये मेल क्रोमोसोम मान लेते हैं, फीमेल पेरेंट्स से आए, मेटर्नल ये पेरेंटल होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे इसे अभी. ठीक, होमोलोगस तब होंगे जब इस तरह से होंगे ये दोनों तो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है. दीज बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेटर्नल एक मेटर्नल, एक पापा की तरफ से, दूसरा मम्मी की तरफ से.
ठीक, सेम विद दिस ऑल्सो, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब जो हमारा जीन है वो जितना, जैसे प्लांट हाइट के लिए जीन है और प्लांट कलर के लिए जीन है, तो वो जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा इसको, इस लॉ को फेवर करेगा, उतना ज़्यादा लॉ के चांसेस इसके ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है कि जीन्स जो हैं वो अगर एक ही क्रोमोजोम पेयर में, सिस्टर क्रोमैटिड्स में लगे हों तो वो बहुत दूर दूर लगे हों, या तो सबसे बेस्ट है कि वो होमोलोगस क्रोमोजोम में हों। ठीक है, लिमिटेशन हो गई है इसकी कि जीन पास में नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए जो वे पर्टिकुलर चीज़ को कोड करें। देन अब हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स दैट आर विद डिफरेंट पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में क्योंकि हमें यही देखने को मिल रहा है, एंड इनफैक्ट मैंने नूतन में भी देखा था, तो नूतन में भी यही सेम मिस्टेक थी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब बात करेंगे, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स, बिटवीन द टू पेरेंट्स हैविंग टू डिफरेंट पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो मैंने बोल दी, क्रॉस बिटवीन दो पेरेंट्स जिन दो के पास कोई टॉल कोई प्लांट हाइट के लिए है एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट फ्लावर कलर के लिए। ठीक, तो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग ने ले लिए, उनका क्रॉस कराने को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जस्ट बिकॉज मैं उस वीडियो में, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस दोनों एक साथ बताऊँगी टैबुलर फॉर्म में, बहुत सिस्टमैटिकली मैं बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में ही डाई हाइब्रिड क्रॉस बता दिया देन वो थोड़ा सा बल्क फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने में आपको लगेगा। लेकिन मैं डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड एक साथ एक ही वीडियो में बताऊँगी, सो दैट यू कैन रिलेट ईच अदर एंड दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए। ऑल राइट, so that's all for this video. Thanks for watching guys, subscribe my channel, press the bell icon, hit like button to this video, visit my previous videos, share my friends, share my channel to channel link to your friends and to your dear ones. Thanks for watching, bye bye.